जरा ध्यान दीजिए, अभी पिछले लेक्चर में जब हम लोग R by 2 is equal to F का R by 2 is equal to F का जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, तो माइक डिस्चार्ज होने की वजह से उसमें लास्ट में कुछ आवाज नहीं आ पाई है, तो वो डेरिवेशन 2 मिनट लगेगा, फिर से बता दे रहे हैं। जरा चेक करिएगा कि ये आपका है कॉनवेक्स मिरर और ये आपका है कॉनकेव मिरर, तो दोनों में ही हम एक सेकंड में बता दे रहे हैं। एक तो याद रखिएगा कि जितने भी डेरिवेशन हम लोग करते हैं और जितने भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, सभी में हम बहुत छोटे मिरर्स का प्रयोग करते हैं ताकि ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास रहे, और रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास रहती है तो उनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेस। क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रेस, नियर टू एक्सिस। उससे एंगल बहुत छोटे होते हैं और कई अजम्पशंस जो हम मेजर करते हैं वो अजम्पशंस वैलिड हो जाते हैं। अब इनका डिटेल्ड मीनिंग आपको क्लास 12th ऑप्टिक्स में पता लगेगा, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, हमने बताया ये लाइट रे आई और ये लाइट रे आ रही है टुवर्ड्स फोकस, तो पैरेलल हो गई, ठीक है। सॉरी, ये लाइट रे आई पैरेलल और इसके बाद पैरेलल आती है तो कहां से जाती है? फोकस से। अब बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान दें, ये ग्रीन वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट कैसा हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट। और बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इसे रेड वाला ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है? रेड वाला। तो बच्चों, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब अगर आप ये छोटा वाला ट्रायंगल देखें तो इस थीटा के सामने ये वाली लाइन, इस थीटा के सामने ये वाली लाइन, ये कैसी हो जाएंगी? इक्वल। और अगर ये अपर्चर छोटा है, अगर ये अपर्चर से छोटा होता जाए तो ये वाला पॉइंट भाग के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। इसका सीधा मतलब है जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये वाली जो लाइन होगी और ये वाली जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यानी हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कैसा प्रूफ कर दिया है? सेम प्रूफ कर दिया है, इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब बच्चे ध्यान दें, हमने प्रूफ कर दिया पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। बोले बच्चे, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसी में ए बी सी डी वगैरह रख के सब नाम रख लेंगे आप लोग। तो पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। बच्चों, पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या होती है बताओ? फोकल लेंथ। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या होती है बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों, हमने कहा पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या है बताओ? एक्स है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीसी इज इक्वल टू पी कैपिटल एफ प्लस एफ सी। पीसी क्या है बच्चों बताओ? आर है। पीसी क्या है? आर है। और पीएफ को पीएफ ही रहने दिया और प्लस पीएफ लिख दिया। देखो ना, एफ सी पीएफ के बराबर है तो एफ सी क्या हो गया? पीएफ हो गया। यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? टू पीएफ। यानी कैपिटल आर बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया? पीएफ। और पीएफ बच्चों क्या चीज है? पी सी एफ तक क्या है? फोकल लेंथ है। यानी हम ये कह सकते हैं R बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल लेंथ। तो ये इसका प्रॉपर डेरिवेशन है विद ऑल एंगल्स। इसी तरीके से अगर आप यहां देखो बच्चों, अगर यहां देखो तो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। और C से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो कहने का मतलब है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बताओ? थीटा। अब बच्चों, ये थीटा है तो ये जेड बन रहा है, ये भी कितना होगा बताओ? थीटा। क्योंकि दिस लाइन पैरेलल और बाकी आप खुद समझदार हैं, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती तो जेड जो बनता है अल्टरनेट एंगल, दिस इज अल्टर। अच्छा बच्चों, इस थीटा के सामने ये वाली लाइन है, इस थीटा के सामने ये वाली लाइन है, अगर अपर्चर छोटा होगा तो ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स और एफ पी बराबर हो जाएंगी। अब एक तरफ एफ एक्स एफ पी के बराबर है, दूसरी तरफ एफ एक्स एफ सी के बराबर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन कैसी हो गई बच्चों? इक्वल हो गए। तो हम फिर वही लिखेंगे, क्या पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पी एफ प्लस एफ सी। बिल्कुल वही कॉपी करते चले जाए, बिल्कुल वही कॉपी करते चले।
पीसी आपका क्या है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और पी से एफ तक की दूरी क्या होती है बताओ, फोकल लेंथ होती है, क्या होती है फोकल लेंथ। और आपने अभी यहां पे पढ़ा बच्चों कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ पी है, और आपने ये भी पढ़ा कि पी एफ इज इक्वल टू क्या बताओ, एफ सी है, तो एफ सी की जगह पी एफ रख देंगे, यानी पी एफ प्लस पी एफ, यानी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, टू पी एफ हो गया, तो यानी आर बाई टू इज इक्वल टू पी एफ हो गया, यानी आर बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था वो यहां पे पूरा हो गया, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल सारे करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, इसमें बड़ी तेजी के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और कोई न्यूमेरिकल आपका बचेगा नहीं। पहले तो बच्चे जाने कि साइन कन्वेंशन में कोई भी नई चीज आपको नहीं करनी है, ये आपकी एक्सिस हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से, एक्सिस ड्रॉ हो रही है बच्चों लाइक दिस। अब जरा ध्यान दें, ये होता है एक्स तो ये क्या होता है बताओ, एक्स डैश, ये होता है वाई तो ये होता है वाई डैश, और बच्चों ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। बिल्कुल जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं करना। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि एक इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और यहां पे एक डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, जरा इसको ध्यान देंगे। अब बच्चों इसमें हमने पीछे की ओर पॉलिश की हुई है ऐसे, इसमें पीछे की ओर पॉलिश की हुई है और इसमें ऐसे पॉलिश की हुई है, ठीक है ना, क्लियर है। ये वाला जो है बच्चे देखें, ये वाला कौन सा मिरर है, ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, और ये वाला कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो बच्चों जो हम कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होता है उसको मैथ की कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख के दिखा रहे हैं, तो जहां पे आपका ओरिजिन आता है वहां पे अब क्या आ रहा है, पोल आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों बताओ, पोल आ रहा है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, और ऐसे ही अब फिजिक्स में ऑप्टिक्स में क्या कहेंगे, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मैं समझ में आया क्यों, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। अच्छा बच्चों खुद बताओ, जब हम राइट साइड जाते हैं तो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहां भी यही होगा, लेफ्ट जाएंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, अप जाएंगे तो कैसा होगा, और डाउन जाएंगे तो क्या होगा। तुम ये बात याद रखो, तुम ये सब मत याद रखो कि जिस तरफ से लाइट रे आती है उधर, ये सब तमाशा सब भूल जाओ, यहां तो कुछ याद भी नहीं करना पड़ रहा, जो मैथ्स में करते थे वही फिर कर रहे। आप साइन कन्वेंशन में कुछ मत याद रखिए, ये थोड़ी ना है कि मैथ्स का साइन कन्वेंशन अलग हो जाएगा फिजिक्स का अलग हो जाएगा, एक ही चीज है तो एक बार पढ़ेंगे, तो आज से आप साइन कन्वेंशन कुछ नहीं याद रखेंगे, जो मैथ्स में वही रहेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो, इधर जा रहे हैं तो, इधर जा रहे हैं तो, ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये मत भूलना, सब भूल जाना, अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये मत भूलना। मैथ्स में भी हम लोग करते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन होता है, ऐसे ही पोल से मेजर होगा। अच्छा बच्चों ये हो गया इसका साइन कन्वेंशन, क्या हो गया, साइन कन्वेंशन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अच्छा क्लियर है सर। अब एक छोटी सी बात और देखेंगे बच्चों, यहां पे देखेंगे कि दो फॉर्मूले आपको स्फेरिकल मिरर में दो फॉर्मूले आपको करने हैं, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, करना ये दो फॉर्मूले आपको यूज करना है। बच्चे ध्यान दें, इसी को मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। यू क्या चीज होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर,
वी क्या चीज होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसी तरह से बच्चों एफ क्या होती है बताओ, फोकल लेंथ होती है। एफ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। आई क्या होती है बच्चों, आई ये होती है साइज, या इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। इसी तरह से ओ क्या होता है, ये होता है साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी चीजें हमने बता रखी। आप एक छोटी सी बात पे ध्यान दो कि अगर आप ये बनाए इस तरीके से, जरा ध्यान दीजिए, तो बच्चे जानते हैं कि यहां पीछे की तरफ हमने पॉलिश कर दिया, यहां इस तरफ हमने पॉलिश कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसमें आप देखें बच्चों कि हमने यहां प्रिंसिपल एक्सिस बनाई लाइक दिस, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई लाइक दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अब आप जानते हैं कि जब पैरेलल लाइट आती है, कौन सी लाइट आती है बच्चों, पैरेलल लाइट, इधर देखिए जरा सा, जब पैरेलल लाइट आती है तो वो कहां से पास होती है बच्चों बताओ, फोकस से पास होती है। ऐसे ही जब यहां पे पैरेलल लाइट आती है तो वो कहां से पास होती है बताओ, फोकस से पास होती है, होती है कि नहीं होती है। अब आप खुद ध्यान दो, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। ऑप्टिक्स में एक कन्वेंशन है कि लाइट को लेफ्ट टू राइट पास किया जाता है। ऐसे मैं खड़ा हो रहा हूं, लेफ्ट से शुरू होगी और कहां जाएगी, राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये कन्वेंशन है और इसको हम अपोज नहीं कर सकते। लाइट पास होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब यहां लेफ्ट टू राइट गए तो ये सिस्टम मिला, जब यहां लेफ्ट टू राइट गए तो ये सिस्टम मिला। फोकल लेंथ कहां से कहां नापी जाती बताओ, कहां था, पोल से फोकस, सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी। तो यहां पे जब तुम पी से एफ की ओर जा रहे हो तो किधर जा रहे हैं हम लोग, प्लस जा रहे हैं कि माइनस जा रहे हैं, तो यानी इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा यहां पे ये पोल है, अब पोल से फोकस जा रहे हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो अब कभी मत रटना ये चीज कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, सीधे कंस्ट्रक्ट करके वही मैथ्स का एलजेब्रा वाला हिसाब किताब कोऑर्डिनेट का लगा देना, आ जाएगा कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि देखिए अब जैसे यहां पे ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें तो इधर जा रहे हैं तो क्या होगी प्लस, और यहां कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते इधर जा रहे हैं तो क्या होगी माइनस। तो किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, बोले बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका फोकल लेंथ प्लस माइनस कैसे होगा, किधर होगा, कहां से नापा जाता है, ये सारा भी काम हो गया, है ना। दिस एम हमने नहीं बताया, एम को बच्चों हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ध्यान दो यहां पे, अगर इमेज मैग्निफाइड होगी ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बताओ, ग्रेटर देन वन आएगा। यार आई बड़ा है वो छोटा, अगर तुम्हारी डिमिनिश होगी इमेज तो आई छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो एम कैसा आएगा बताओ, लेस देन वन। और जैसे सी पे बताया था ना एक केस कि दोनों के साइज कैसे होते हैं सेम, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, व्हेन मैग्निफिकेशन इज मोर देन वन, व्हेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वन, ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए हैं कि नहीं आ गए। ग्रेटर देन वन में क्या हो रहा है बताओ, मैग्निफाइड, और लेस देन वन में क्या हो रहा है डिमिनिश, और इक्वल टू वन में ऑफ सेम साइज, देयर इज नो मैग्निफिकेशन, देयर इज नो मैग्निफिकेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जस्ट अ सेकंड। अब बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, इसके विशेष ध्यान देंगे कि इनके न्यूमेरिकल्स हम लोग लेने जा रहे हैं बच्चों। इनके न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं बच्चों, ये एक कंसाइज फिजिक्स की किताब है आपकी, इसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल्स का पेज दिया हुआ है, तो मैं एक तरफ से न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, 14 न्यूमेरिकल है
14 मिनट में खत्म हो जाएंगे, इवन 7 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं। जरा चेक करिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13 फोकस ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ऐसे। हाँ जी आगे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, एक तरह से क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल्स पे फोकस करिएगा। द मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज -3, यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो कह रहा है हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड, तो बच्चों एम इज इक्वल टू क्या होता है -V/U होता है कि नहीं होता है, तो बच्चों इसको लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -V/U, माइनस माइनस कैंसिल, वी इज इक्वल टू यू, और यही आंसर दिया गया ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। देखिए जैसे इन्होंने बोला कि इमेज आई आपकी कैसी बताइए, इरेक्ट है। द इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, और मिरर कौन सा है बच्चे बताएं, कॉनकेव मिरर है। इज ऑफ साइज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बच्चों इमेज जो है और ऑब्जेक्ट जो है अगर एक्स साइज का है तो ये कितना है, डबल साइज का है, 2x है ठीक है। हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड, तो बच्चे जानते हैं एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू -V/U, आई हो गया 2x, ओ हो गया x, -V/U, x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -V इज इक्वल टू 2U या V इज इक्वल टू -2U, तो ये V इज इक्वल टू -2U ही आपका आंसर दिया हुआ है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 देखिए मैं फोकस कर रहा हूं, देखिए 10, 11, 12 फोकस हो रहा है ऊपर, 12 में सर बस ठीक है। कौन कौन से देख रहे हैं क्वेश्चंस सर, 12 में थोड़ा सा उंगली नीचे कर दीजिए, ये देखिए आ गया सर, आ गया। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इधर इसका ही थोड़ा बस एकदम ठीक है, 10, 11 एंड 12। तो 10, 11 एंड 12 का सेट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो जब कभी भी आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने मान लीजिए पर्टिकुलर लेक्चर न्यूमेरिकल वाला ओपन किया, सारे न्यूमेरिकल देख लिए, सारा काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जो जो करते जा रहा हूं टिक लगा दे रहा हूं। द इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ साइज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मिरर कौन सा दिया हुआ है बच्चों, कॉनवेक्स दिया हुआ है, मिरर कौन सा दिया गया है, कॉन्वेक्स। और कह रहा है कि साइज 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज अगर x है तो इमेज का साइज जो है वो x/3 है, उसका 1/3 है, क्लियर है। हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड, तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू -V/U, आई कितना है x/3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -V/U, यानी करेंगे x/3x इज इक्वल टू -V/U, x कैंसिल हो गया, 1/3 इज इक्वल टू -V/U, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3V इज इक्वल टू u, या v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3U-, यही आंसर आपका दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 भी सॉल्व हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज साइज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले सारी चीजें कैसे लिखते हैं, लिखा है कॉनकेव मिरर, ये तो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, पहले हमने कॉनकेव मिरर लिख दिया। फिर कह रहे हैं वर्चुअल इमेज साइज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है x तो इमेज कैसा हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। और इमेज कैसी दे रहा है बच्चों, वर्चुअल इमेज दे रहा है ठीक है। सारे जरूरी डेटा एक तरफ नोट करते वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन 11, एट अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब देखो कॉनकेव था तो बच्चों पहले ऐसा क्या करो कि तुम कॉनकेव मिरर ऐसे करके बना लो ऐसे, और ऑब्जेक्ट को जब तुम रखोगे तो वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे शो कर रहे हो, ये ओवर ऑब्जेक्ट है, ये सारे काम जरूरी है। अब यू की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई बताओ बच्चों, ये पोल है और इसके सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ओ से पी नापेंगे कि पी से ओ नापेंगे,
ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं, प्लस की माइनस, तो यहाँ माइनस फाइव सेंटीमीटर, वेरी गुड, तो माइनस फाइव सेंटीमीटर हो गया बच्चों। फाइंड फोकल लेंथ एंड पोजिशन ऑफ इमेज, तो बच्चों आपसे ये फोकल लेंथ पूछ रहे हैं और पोजिशन ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, तो अब जरा ध्यान दें, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, आई दिया है 2x, ऑब्जेक्ट दिया है x, माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू दी गई है माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसिल, x x कैंसिल, यानी v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, और इसमें आंसर में लिखा है बिहाइंड द मिरर, ए बच्चों v की वैल्यू प्लस में आई है, यानी अगर यहां पे कहीं पे बनेगी कौन इमेज, तो इमेज को कहां से नापेंगे, पोल से, तो राइट जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हैं, प्लस की माइनस, इसी प्लस साइन से हमें पता लगा कि मिरर, अगर इधर इमेज बनी होती और इधर से नापते तो किसमें आती, माइनस में आती, देखो प्लस और माइनस बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वही कोऑर्डिनेट का हिसाब किताब लगाइए, एक मिनट के अंदर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब इन्होंने क्या पूछा, फोकल लेंथ पूछा बच्चों, तो जरा देखिए v प्लस 10 आ चुका है हमारा, अब 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन v की वैल्यू 10 है प्लस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, बच्चों ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 वन जा 10 वन, 5 टू जा 10 टू वन जा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, यानी माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन f क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे एक विशेष बात ध्यान दें, इसमें कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है बताओ, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, जरा एक बात ध्यान दें सभी लोग, 10 सेंटीमीटर दिया, यार ये बताओ तुम्हें क्या पढ़ाया था, कॉनकेव की फोकल लेंथ प्लस में होती है कि माइनस में होती है, माइनस में होती है, रिजल्ट किस में आया, माइनस, तो आप परेशान मत होइएगा, क्यों माइनस में आया, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव, ठीक है, आंसर से कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर अब हम लोग आने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मतलब अपने आंसर्स को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन भी, जरा बच्चे क्वेश्चन 10 और 9 का फोकस चेक करें, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9, टेन और 9 दोनों आ रहे हैं, यस सर, तो क्वेश्चन 10 9 अब हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन 10 कह रहा है तो मतलब अब क्वेश्चन का भी रिकॉर्ड आपके पास है प्रैक्टिस करने के लिए, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, सवाल कैसे करना है, फिर वैसे ही लिखेंगे कॉनकेव मिरर क्या क्या बनाता है बताओ, रियल इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अच्छा देखो कॉनकेव मिरर पहले हमने बना लिया बच्चों, इस तरह से कॉनकेव बना लिया और इसके सामने यहां रख दिया ओ फॉर ऑब्जेक्ट और बच्चों ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे पोल से, तो U की वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, माइनस होगी, तो U की वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर हो गई, साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बच्चों को कह रहा है कि इमेज का साइज 3x है, ऑब्जेक्ट का साइज x है, ऐसी इमेज बनाता है जो 3 गुना मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स है, कैसी है बताओ, 3 टाइम्स है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब वो कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजिशन ऑफ इमेज, यानी आपको फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, इस बात पे बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि आपको फोकल लेंथ निकालना है और क्या निकालना है, वी निकालना है, आइए अब इसको बोर्ड पे ध्यान देते हैं, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो बच्चों आई क्या है 3x, ओ क्या है एक्स, माइनस वी मालूम नहीं, यू माइनस 30, माइनस माइनस एक्स एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी की वैल्यू कितनी आगे बताओ 90 सेंटीमीटर, तो वी का वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है क्लियर है। अब कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज,
ठीक, v की वैल्यू प्लस में आ रही, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? मैं चेक कर लेता हूं इसको एक बार. अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो u की वैल्यू माइनस 30 हो गई. ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, इमेज कितनी है? 3. अच्छा, ओ माय गॉड, बड़ी जरूरी चीज थी, इसीलिए आंसर देखिए ऐसे ही दी, क्रॉस चेक करना पड़ता है. yes, इमेज कैसी दी गई है? रियल. तो वो होगी कैसी? इनवर्टेड. ये गड़बड़ हो गया. अगर इमेज रियल दिया है तो इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड. इमेज कैसी बनेगी बताओ? रियल एंड इनवर्टेड. ए बेटा इधर यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, तो दिक्कत हो जाएगी तुमको. अब यार ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट प्लस में होगा माइनस में? प्लस में होगा, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x प्लस में होगी. और इमेज इन्वर्टेड है, इमेज कैसी है? इन्वर्टेड. नीचे बन रही, ऊपर बन रही? नीचे. तो किसमें होगी? माइनस. यार यहाँ माइनस लगाना जरूरी है. माइनस. अब आप सोचे कि मैंने ये बात पकड़ी कैसे? आंसर में दिया है कि बिहाइंड द मिरर आ रहा है. यार बिहाइंड द मिरर आता तो v की वैल्यू बिहाइंड द मिरर आ रहा है ना. सॉरी, आंसर में आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आता तो v की वैल्यू कैसी आती? माइनस. और मेरा आंसर किस पे आ रहा है? प्लस. इसका मतलब ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, ये वाला पॉइंट मिस हो गया था. ऐसे ही हल्की हल्की बातें रहती है और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. अब आप देखेंगे कि ये आंसर किस में आ जाएगा बताओ? माइनस में. तो कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है. अब हम लोग क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ. तो 1/f = हो जाएगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f / 1/v. v कितना है बच्चों? -90 प्लस u कितना है बताओ? -30. ये प्लस माइनस मिलके कितना हो गया? माइनस. और 30-90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30-90 10 से करेंगे 3 9 3 3 3 3 9 90 1 ये -1 -3 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? -4/90 4f/1 इसको पलट देंगे, ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? -90/4 तो 90/4 22.5 आएगा -22.5. अरे बोलो ठीक है कि नहीं ठीक? हाँ जी सर. अच्छा यार एक बात और ध्यान दो, v की वैल्यू -90 आई प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है इमेज इधर ही बनेगी तभी माइनस आएगी. yes. और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है कि माइनस में? माइनस में. अगर ये चीजें करेक्ट नहीं की गई होती तो ये प्लस में आ जाती, यानी हमने जो चीजें जानी है वो क्या हो जाती? उल्टी आ जाती, गलत आ जाती. तो अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रूफ हुआ. टेंथ के बाद अब बच्चों सीधे सीधे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे. आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, इसका हमने इमेज दिखा दिया था बच्चों. क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का इमेज दिखा दिया था बच्चों. तो वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. बच्चों ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया गया है प्लस 4 सेंटीमीटर. मिरर दिया गया है कॉनकेव. मिरर कैसा दिया गया है? कॉनकेव. डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. यार ये कॉनकेव मिरर है. फिर ऐसे ही यहां पे हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना लिया. करने का तरीका देखते रहिएगा. और बच्चों ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर. यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30 सेंटीमीटर. क्योंकि पोल से नाप रहे हैं तो कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा यू की वैल्यू. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर. बढ़िया बात. मिरर कौन सा है? कॉनकेव. और फोकल लेंथ कितनी है? 15. तो फोकल लेंथ कितनी लिखेंगे बच्चों? 15 -15 सेंटीमीटर. बार बार बता रहा हूं, कुछ सम्मानित छात्र विशेष ध्यान दे रहे हैं कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बताओ? -15 सेंटीमीटर. यही प्लस माइनस की गलती हुई और आप मंत्री से संतरी तक का सफर तुरंत ही तय कर लेंगे. ठीक है? यस सर. ध्यान दीजिएगा. वेयर विल इमेज फॉर्म? वेयर विल इमेज, इमेज कहां फॉर्म होगी? मतलब वी निकालना है. क्या निकालना है? वी. और व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज? मतलब क्या निकालना है? आई. तुम्हारी बुक में इसको H2 और H1 करके शो करते हैं या HI HO करके शो करते हैं.
भाई हमको आई ओ सीधे सीधे दिखाई पड़ता है, हम वैसे कर देते हैं। अब जरा इसको चेक करते हैं बच्चों, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब आई हमको मालूम नहीं, ओ फोर है माइनस, वी हमको मालूम नहीं और यू कितना है माइनस 30। बोलो यार तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर। अब बच्चे ध्यान दें, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, वन अपॉन माइनस 15 इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस कितना हो जाएगा माइनस 30। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये इधर आएगा प्लस, यानी वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन 30 माइनस वन अपॉन 15। एलसीएम कितना आ गया 30, वन माइनस टू यानी कि वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 30 यानी वी इज इक्वल टू माइनस 30। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यार माइनस 30 का मतलब क्या है, इमेज मिरर के आगे बनी है पीछे बनी है? आगे, आगे। अगर इधर इन फ्रंट बनी होती तो पोल से नापते तो लेफ्ट साइड में माइनस होती, और इधर बनी होती तो किस में चली जाती प्लस में। तो ऐसे माइनस से इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर जानते हैं। ठंडे दिमाग से एक एक स्टेटमेंट पे विचार करोगे, एक एक चीज लिखोगे, आ जाएगा, हवा में कोई चीज नहीं आएगी। यही वैल्यू वी की यहां उठा के रखेंगे बच्चों, तो आई अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस, वी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 30 अपॉन माइनस 30, माइनस 30 अपॉन माइनस 30। अरे बच्चों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये माइनस 30 से ये माइनस 30 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बच्चों इमेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4, कैसी आ जाएगी माइनस 4 सेंटीमीटर। ए बेटा ऑब्जेक्ट प्लस 4 इमेज माइनस 4, इसका मतलब ये कहाँ रखी हुई है एट सी, तो ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे इसीलिए माइनस आया। तो प्लस माइनस को क्लियर करता हुआ एक बेहतरीन न्यूमेरिकल ये भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम करने जा रहे हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 का फोकस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7 का फोकस चेक करिए, एट और सेवन का फोकस क्लियर है? क्वेश्चन 8 एंड 7, 8 कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। बच्चों मिरर आपके पास कैसा है, ऐसे बना दे रहा हूं कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ये 4 सेंटीमीटर दूर रखा गया है बच्चों। अब फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर। तो यार ये जो इमेज आई बना रहा है वो कैसी बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है 1.5 सेंटीमीटर की, मतलब प्लस में होगा, इरेक्ट मतलब ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बच्चों बिहाइंड द मिरर बना रहा है, वी इज इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर, बिहाइंड द मिरर प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, यार आपका क्या आएगा आंसर? और देखो ये 4 सेंटीमीटर जो है ये u इज इक्वल टू माइनस 4 सेंटीमीटर है और o की वैल्यू प्लस 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हो तो गया m इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, i प्लस 1.5 ऑब्जेक्ट प्लस 1 माइनस v का वैल्यू प्लस 6 दिया हुआ है और u का वैल्यू माइनस 4 दिया हुआ है, 4 2 2 4 2 3 6 1.5, यानी ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा अरे भाई हमें निकालना क्या है यार इसमें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालनी है। तो नहीं गलत क्यों है, पता नहीं क्या रोने लगते हो, दो मिनट चुप रहो। अब ये 1/6 हो जाएगा क्या प्लस बेटा, मिरर फॉर्मूला प्लस होता है 1/6 और 1/u, u की वैल्यू माइनस 4 दी है तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 6 2 3 4 2 3 4 3 12 12 माइनस 4 3 12, यानी 1/focal length इज इक्वल टू माइनस 1/12
यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों क्वेश्चन में जैसे 12 सेंटीमीटर दिया है तो यार ऑब्वियस सी बात है माइनस किसका होता है फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव में माइनस में आया उसका मीनिंग यही है, भले उसने माइनस नहीं लगाया उसका मीनिंग यही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया अ पॉइंट लाइट सोर्स इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान दें, ये आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पॉइंट लाइट सोर्स है और इसको 40 सेंटीमीटर पे फोकस कर दिया गया है, यानी इसको फोकस कर दिया गया है बच्चों 40 सेंटीमीटर पे इसको फोकस कर दिया गया है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ आपको कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर प्लस होगा। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ बच्चों प्लस होती है कि माइनस होती है? प्लस होती है। अच्छा यू की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, माइनस 40, क्योंकि पोल से नाप रहे लेफ्ट जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 40 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब निकालना क्या है आपके पास, वी निकालना, यानी हम लोग करेंगे बच्चों 1 upon v plus 1 upon u 1 upon 40 is equal to 1 upon v plus 1 upon -40 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 1 upon v इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 upon 40 प्लस 1 upon 40। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए कि बच्चों इसमें से 1 upon 40 क्या कर ले, कॉमन कर ले, 1 plus 1 हो गया तो ये आ जाएगा 2 into 1 upon 40 इक्वल टू हो जाएगा 1 upon 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी +20। तो आंसर दिया है +20। +20 मतलब इधर बनेगी मिरर के पीछे, पोल से नापेंगे राइट में जाएंगे प्लस होगा, यानी बिहाइंड द मिरर। तो ये जो बिहाइंड द मिरर और फ्रंट द मिरर के जो आपके कंफ्यूजन होते हैं वो इस प्लस माइनस से सारे दूर हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका। तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए अभी यहाँ पे, अब हमारे पास 6 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो ये 6 न्यूमेरिकल्स भी अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके साथ आप अगर देख रहे हो तो आपका इसमें दो चीजें और बच गई छोटी छोटी, एक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर विदाउट टचिंग, ये सारी चीजें बच गई हैं। तो इसके लिए हम एक अलग लेक्चर ले लेंगे, उसमें बना लेंगे ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए। बच्चों इसको यहीं तक करते हैं, थैंक यू वेरी मच, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।